सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर खबरें फटाफट में। अवैध नशे के सौदागरों पर नजर है पुलिस टीम की। चंद्रपुर जिले के कर्तव्य निष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी के मार्गदर्शन में शराब तस्करी की कई कार्रवाइयों को दिया अंजाम। फर्जी बीज विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर किसानों को आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति करे या तुरंत बीज प्रदान करने की मांग विधायक प्रतिभा धानोरकर ने कृषि मंत्री से की। भद्रावती तहसील के माजरी पुलिस स्टेशन की सुसज्जित इमारत और पुलिस कॉलोनी का हुआ लोकार्पण। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रहने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने 8 जुलाई से धारा 37(1)(3) जारी की। हिंगनघाट में एक नाबालिग बालिका को शादी के झांसे में फंसाकर 4 लाख में उसे बेच दिया। इस मामले में वनी पुलिस ने एक महिला के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ की ओर से संजय भोर का नामांकन विधान परिषद में करे, ऐसी मांग भद्रावती तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल को निवेदन के रूप में की। एनसीपी कार्यकर्ताओं के डर से सांगली में गोपी चंद पडलकर के घर के बाहर सुरक्षा, जबकि आक्रामक बयानों को लेकर एनसीपी के आंदोलन शुरू। भारत में कई कानून है मगर अफसोस किसी को इसका डर नहीं। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल की 14 वर्षीय बालिका के बलात्कार का विरोध करने पर दो छात्रों ने उसे जलाकर किया भस्म। राज्य मंत्रिमंडल के फैसले, मुंबई तथा पूरे राज्य के अगले सप्ताह से सैलून और जिम होंगे शुरू। 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित होने वाली सीबीएसई 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं हुई रद्द, सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने दी जानकारी। नंदनवन इलाके में घटी चौंकाने वाली घटना, एक 8 वर्षीय बालक के सामने उसके माता की पड़ोसी ने की हत्या। कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अगस्त तक ट्रेनें नियमित संचालन नहीं करेगी, हालांकि देश में अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों के लिए रहेगी स्पेशल ट्रेन। बिहार में आंधी तूफान से भरी तबाही, आकाशीय बिजली गिरने से 83 लोगों की हुई मौत जबकि कई लोग हुए घायल। कोरोना प्रसार के चलते हर रोज हजारों लाखों में ऑक्सीजन सिलेंडर और क्यूबिक मीटर की जरूरत पड़ रही है, जिसके कारण अब कोरोना पीड़ितों में कुछ ही दिनों में करोड़ों का होगा आंकड़ा पार। पतंजलि के कोरोनिल दवा लॉन्च, जिस पर हुए कई विवाद, आयुष मंत्रालय ने इस दवा की पूरी जानकारी देने के आदेश दिए, साथ ही प्रसार पर भी लगाई रोक। चंद्रपुर जिले में मुंबई जैसे हॉटस्पॉट जोन से प्रवेश करने वाले एक जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज। चंद्रपुर में कल देर रात आई कोरोना रिपोर्ट में 10 पॉजिटिव केस, जिसके बाद अब जिले में एक्टिव रुग्णों की संख्या हुई 25। भारत में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 47 लाख के पार, कोरोना पीड़ितों में अब देश है चौथे स्थान पर। चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए अमेरिका ने किया कड़ा रुख इख्तियार, भारत तथा अनेक देश में अमेरिका ने अपने सैनिक किए तैनात। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें, फटाफट मिलते हैं कुछ देर में नई खबरों के साथ, आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।